श्री सत्य साई विद्या वाहिनी आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत स्कूल के आसपास व रेलवे लाइन के आसपास भांग के पौधों को उखाड़ा गया। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं सहित स्कूल के अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्कूल के अध्यापक भारती ने बताया कि आजकल नशे की समस्या बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुकी है। आज नशे की समस्या बहुत बढ़ गई है। आजकल हमारे युवा से लेकर हमारे बुजुर्ग तक सब नशे में लिप्त हैं। नशा लोगों को इस तरह से जकड़ चुका है कि लोगों ने नशे के पीछे अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया है। अधिकतर लोग नशे को इतना महत्व देते हैं जैसे शराब है, और ज्यादातर देखने में भी मिलता है कि आजकल के नवयुवक नशे में पकड़े गए हैं। नवयुवक अधिकतर इस नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो पढ़ाई से या समाज में जो उनका दायित्व है उससे भी दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी परिवार से ही शुरू होती है। परिवार इस मामले में आगे आए ताकि इस समस्या से अपने बच्चे को निकाला जा सके। दूसरी ड्यूटी आती है समाज की। अगर समाज में इस तरह का कोई भी कुकर्म हो रहा है या नशे को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो उसमें सभी को मिलकर कैसे निपटा जाए, और जितने भी नवयुवक हैं वो भी इस नशे से दूर रहे। हमारे समाज में इस नशे की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं परिवार, समाज और देश अगर मिलकर इस चीज को खत्म करने के लिए आगे आए और इससे निपटने के लिए सहयोग दे तो नशे की समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। निशा ने बताया कि नशा आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। देखा जाए तो समस्या हमारे अपने घरों से ही शुरू हो रही है। बच्चा पहले नशा अपने घर से सीखता है, फिर वह समाज में जाता है और समाज में नशा सीखता है, और फिर दिन प्रतिदिन वे नशे को आगे बढ़ाता है। इसके लिए पहले घर वालों को नशे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद साबित करना चाहिए कि नशा अच्छी चीज नहीं है, फिर अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए बोलना चाहिए। वैसे कहने को तो कहा जाता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं अनपढ़ हैं, क्योंकि जब भी वो नशीला कोई भी पदार्थ खरीदने जाते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी इस नशे का सेवन करते हैं और उसको लेते हैं। नशे की लत एक ऐसी लत है जो एक बार लेना तो आसान है पर हटाना बहुत ही मुश्किल है। हम सबको एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि हमारे घर में जो भी नशा करता है हम उनको रोक सकें और उसके बाद अपने समाज को नशा मुक्त समाज बना सकें। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने बताया कि नशा एक बहुत ही बुरी बुराई है। स्कूल के बच्चों को नशे की बुराई के बारे में अवगत करवाया गया। बच्चों को बताया गया कि नशा किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है और किस तरह से हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए। पीछे प्रशासन ने भी अभियान के तहत इन भांग के पौधों को नष्ट किया था। आज स्कूल के बच्चों व अध्यापकों द्वारा भांग के पौधों को उखाड़ा गया। बच्चों को बताया गया कि जरूरी नहीं है कि नशे का सामान बाजार में ही मिलता है, नशा जो है भांग के सेवन से भी होता है और हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखने वाले मंडी जिला के तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे लुधियाना में आयोजित होने वाले नेशनल लेवल कंपटीशन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के 26 स्कूल भाग लेंगे, जिसमें से मंडी जिला का तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन कार्यक्रम में तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल मंडी के वेब 8 बच्चे भाग लेंगे, जिन्होंने 2 एप्लीकेशन बनाई हैं, जिन्हें बच्चे लुधियाना में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन कार्यक्रम में रिप्रेजेंट करेंगे। इन बच्चों को ऐतिहासिक सेरी मंच मंडी से तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल की निदेशक प्रिंसिपल शैलजा ने रवाना किया।